नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त और होस्ट सुब्रत नायक जेएस फार्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम दिखाने वाले हैं जो हमारे सिंगल स्टेम का एप्पल प्लांट है, उसमें जो एप्पल बहुत लगे हुए हैं उसका फ्रूट थिनिंग कैसे होता है। अगर हम फ्रूट थिनिंग नहीं करेंगे तो फल अच्छे साइज का नहीं आएंगे, क्योंकि ये लगाने के बाद 1 साल का पौधा है। इसीलिए हमें एक पेड़ में जो एक आँख होती है बट उसमें एक ही रखना है ट्रायल बेसिस में, कि वो साइज कैसे आता है और कलर उसका कैसा पकड़ता है। देखिए, ये 2 लाइन हमने थिनिंग किया हुआ है, यहाँ पर एक रखा हुआ है, यहाँ 2 रखा हुआ है, 2 बट में। इसके बाद इस लाइन में भी देखिए साइज करीब मेरी मोटी उंगली के जैसे हो गई है एप्पल की। देखते हैं इस साल ये कैसा पैदावार देती है। देखिए, ये देखिए, देखिए इसमें जैसे फ्रूट बहुत हैं, बहुत सारे हैं, पर हमें सिर्फ इसमें 2 ही रखना है, 2 या 3, क्योंकि 3 आँखें हैं तो एक एक रखने से 3 आँखें ही रखना है। ये देखिए, इसमें कुछ ड्रॉपिंग हो रहा है जो सेटिंग हुआ था, पर हमें 2 आँखें दिख रही है, इसमें सिर्फ 2 ही रहेगा फ्रूट्स। इसमें भी देखिए, ये इसमें देखिए एक में कलर हल्का सा आया हुआ है अभी से। ये HRMN 99 का वैरायटी है, और अभी आपको दिखा रहा हूँ जो डोरसेट गोल्डन है। और ये देखिए डोरसेट गोल्डन में भी कैसे फ्रूट सेट हुआ है, एक एक बंच में 4-5 सेट हुआ है। ये देखिए ये वाला, ये भी देखिए, इसमें थोड़ा कीड़े का प्रकोप है, मेडिसिन देना पड़ेगा। यहाँ देखिए ये बड़ा साइज का हुआ है। देखिए ये करीब मेरे मोटी उंगली की जैसी हो गई है। अब आपको एना वेराइटी दिखा रहा हूँ। ये देखिए सभी पेड़ों में फ्रूट सेट अच्छा हुआ है, तो हमें थिनिंग तो करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, फिर एक नए वीडियो के साथ, जब साइज बड़ा हो जाएगा तो आपको फिर बताएंगे कि इसमें क्या क्या करना है। नमस्कार।